ओम सुना। व्हाट इज ओम सुना? क्या था ओम सुना? व्हाट इज ओम सुना? Suppose there is one fan. Assume for you fan hai. Okay. चलो ये fan है. And this is a regulator. यहाँ पे regulator है. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा नंबर ही रहता है ना रेगुलेटर में। ये रेगुलेटर है, जब ये जीरो पे है तो फैन ऑफ रहेगा। व्हेन वी मूव द पॉइंट ऑफ रेगुलेटर फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5, 6 देन व्हाट हैपन इन द स्पीड ऑफ फैन, क्या होगा? अगर मैं रेगुलेटर का पोजीशन चेंज करते जाऊं तो फैन के स्पीड में क्या फर्क पड़ेगा? सर स्पीड बढ़ते जाएगा। बढ़ते जाएगा क्यों? व्हाट इज द रीजन? क्या हो रहा है यहाँ पे? अगर मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूँ तो व्हाट इज द रीजन दैट स्पीड ऑफ फैन कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस? इस फैन में करंट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा है ना? यस, जीरो पे है, जीरो करंट ज्यादा होगा। यस, ओके। तो व्हेन द पोजीशन ऑफ रेगुलेटर चेंजेस करंट टू द फैन कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस, होता है कि नहीं होता है? अच्छा, यहाँ पे क्या इंक्रीज हो रहा है? यहाँ इंक्रीज हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस वी। सपोज वन पे है तो 1 वोल्ट करेंट 1 एम्पियर, 2 वोल्ट करेंट 2 एम्पियर, 3 वोल्ट करेंट 3 एम्पियर। यानी हियर व्हेन वी चेंज पोजीशन ऑफ रेगुलेटर व्हाट इंक्रीजेस? पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस। जो प्लग रहता है ना, उस प्लग में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से हम लोग क्या इंक्रीज कर रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है तो करंट का वैल्यू भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई। ये होता है ना ओम्स लॉ? ओके, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई और V इक्वल टू आई आर और R इक्वल टू V अपॉन आई। व्हाट इज R? R क्या है? रेजिस्टेंस। R इज कॉन्स्टेंट विच इज नोन एज रेजिस्टेंस। व्हाट इज द यूनिट ऑफ R? R का यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ आर, आर इक्वल टू वी अपॉन आई होता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वी? वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट? करंट का होता है एम्पियर। याद है, पता है कि नहीं इतना? हाँ, तो वोल्ट पर एम्पियर क्या बोलते हैं इसको? ये हो गया तुम्हारा ओम। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस हो गया ओम। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम होता है। ये
सर इतना बता दिए थे क्या? ओके इतनी बताया था ना? ओके तो व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन वी एंड आई, सपोज ये वी है ये आई है, तो व्हाट वुड बी शेप ऑफ ग्राफ, ग्राफ कैसा मिलेगा? वी प्रोपोर्शनल टू आई है ना, यानी एज द वैल्यू ऑफ आई इंक्रीजेज वी इंक्रीजेज, जैसे जैसे तुम्हारा वी का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है आई का वैल्यू भी क्या होगा इंक्रीज होगा, देन द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। ओके कैसा ग्राफ मिलेगा? स्ट्रेट लाइन, किसके बीच में? वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ, इट विल बी स्ट्रेट लाइन। तो वी का यूनिट तुम्हारा वोल्ट हो गया, करंट का यूनिट हो गया एम्पियर, तो ये तुम्हारा हो गया ग्राफ बिटवीन वी एंड आई। समझ में आया कि नहीं? यस सर। ओके यस सर। अब देखो स्लोप ऑफ ग्राफ, इस ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? स्लोप यानी एक पॉइंट यहां पर ले लिए और एक पॉइंट यहां पर ले लिए, इसी को बोलते हैं स्लोप। यानी पॉइंट ए पॉइंट बी, इधर ये नॉर्मल ड्रॉप किए, इधर ये नॉर्मल ड्रॉप किए, ये हो गया पॉइंट सी। तो स्लोप इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? बी सी, बी सी हो गया परपेंडिकुलर, बेस क्या हो गया ए सी, ये हुआ स्लोप का वैल्यू। अब देखो बी सी के अलोंग कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है? वोल्टेज की करंट। इस डायरेक्शन में हम लोग किसको लिए हैं? वोल्टेज को कि करंट को? इधर है ना तुम्हारा ये वाई एक्सिस के अलोंग बी सी है, यानी कि ये बी टू सी कौन सा फिजिकल क्वांटिटी बताएगा? वी को, क्योंकि इस तरफ वोल्टेज है ना। और ए टू सी कौन से फिजिकल क्वांटिटी को बताएगा? आई, आई को। यानी बीसी का वैल्यू हो गया वी और एसी का वैल्यू हो गया आई, वी अपॉन आई। विच फिजिकल क्वांटिटी, किसका फॉर्मूला है ये, किसका फॉर्मूला है? अभी बताया था ना वी अपॉन आई किसका फॉर्म, रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस का इक्वल टू आर, यानी स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इक्वल टू रेजिस्टेंस। वी आई ग्राफ का जो स्लोप है दैट विल रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस। चलो नोट डाउन कर लो इसको। ओके चलो ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखो कैसे बनाओगे, वोल्टेज एंड करंट इज शोन हियर बाय द टेबल, ये वोल्टेज है तुम्हारा वोल्ट में, करंट है एम्पियर में, 0 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट एंड 5 वोल्ट। यहां पर है तुम्हारा 0 एम्पियर 5 एम्पियर 10 एम्पियर 15 एम्पियर एंड 20 एम्पियर।
plot a graph showing variation of v and i, यानी अपने को एक ग्राफ प्लॉट करना है किसके बीच में, v और i के बीच में। चलो प्लॉट करो अपने अपने कॉपी में। फर्स्ट राइट राइट द वैल्यू ऑफ i अलोंग x एक्सिस, क्या है, जीरो। जीरो को ओरिजिन से स्टार्ट करना, जीरो हो गया 5, 10, 15, 20। वोल्ट कहां से स्टार्ट है, जीरो से, क्या है, 2, then 3, then 4, then 5। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऐसे इसको ग्राफ पेपर अगर मिलेगा तो ग्राफ पेपर में प्लॉट करना, नहीं तो कॉपी में भी प्लॉट कर सकते हो। चलो देखो क्या है, जीरो पे जीरो है, टू पर क्या है, 5 है, तो 5 एम्पियर में ये 2 हो गया, यहाँ एक पॉइंट मिला। 3 पे 10 है तो ये तुम्हारा 3, ये 10, इधर एक पॉइंट मिला। 4 पे 15, तो ये इधर 4 हो गया, ये 15 हो गया। देन 20 पे 5, ऐसा ग्राफ मिला, यानी ग्राफ में भी स्ट्रेट लाइन। क्लियर है सबसे बना कि नहीं? ओके, तो ये तो ग्राफ हो गया। अब बोलेगा क्वेश्चन, व्हाट इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे। तो रेजिस्टेंस के लिए क्या करो, एक स्लोप ड्रॉ करो, ऐसा एक ट्राइंगल बना लो, कहीं से बना सकते हैं, यहां से भी ड्रॉ कर सकते हो, इधर से भी ड्रॉ सकते हो, छोटा ट्राइंगल, बड़ा ट्राइंगल कैसा भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि 2 वाले से ही लोगे, 3 से भी आगे ड्रॉ कर सकते हो। चलो एक ट्राइंगल बना लिए, इस ट्राइंगल में ये हुआ तुम्हारा ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। सो हाउ यू डिटरमाइन रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस ट्राइंगल, क्या होता है, रेजिस्टेंस इक्वल टू स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, होता है कि नहीं होता है। स्लोप यानी बी सी अपॉन ए सी। ओके, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी सी, क्या चीज, अरे आज लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है, पता है 12th वालों का भी ऐसे ही हो रहा था। चलो देखो मैं इसको यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, जितना विजिबल है देखो। चलो देखो यहाँ पे, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी सी, बी टू सी का वैल्यू कितना होगा बताओ। बी टू सी यानी बी से लेके सी, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू अलोंग वाई एक्सिस, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, v को, v इक्वल टू देखो bc, bc मींस b पर वैल्यू क्या है, 5 है, और c पर वैल्यू क्या है, 2 है, 5 - 2, 3। समझ में आया कि नहीं आया, ये अपने को लेना है bc, यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज अलोंग y एक्सिस, दैट इज 5, सी है तो यहां वाला 2, तो 5 - 2, 3 हो गया। सिमिलरली व्हाट इज द वैल्यू फ्रॉम ए टू सी, क्या हो जाएगा, ए सी ये तुम्हारा आई हो गया, यानी ए टू सी, सी पर वैल्यू क्या है, 20 है, ए पर है 5, 20 - 5, 15 एम्पियर, और इधर 5 - 2, 3 वोल्ट, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। यहां तक समझ में आया कि नहीं? चलो तो व्हाट विल बी रेजिस्टेंस आर, दैट इज बीसी यानी 3, और तुम्हारा एसी यानी 15, 3 by 15 यानी 1/5 यानी 0.2 ओम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको?
क्लियर हो गया? सर, हाँ बोलो। सर दो क्यों नहीं आ रहे, समझ नहीं आ रहा। बेटा आज ना लगता है ना कल बारिश का नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है? ट्वेल्थ वालों के साथ भी यही प्रॉब्लम हो रहा है। क्या चीज ब्लर हो रहा है क्या? अच्छा, तो वो नेटवर्क कहाँ हो रहा होगा। चलो ठीक है, मैं अभी ये जो क्लास है ना इसका इसको YouTube में अपलोड कर दूंगा, ठीक है? तो उसको एक बार देख भी लेना। चलो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, बनाओ तुम लोग। देखो इधर, सो दिस इज द वोल्टेज एंड दिस इज द करेंट, और करेंट एंड वोल्टेज पहले V फिर I। इट इज गिवन दैट 0, 1, 0, 2, 4, 6, 8, 10 ये तुम्हारा है वोल्ट में, करंट एम्पियर, दिस इज 0 एम्पियर 3 एम्पियर 6 9 12 15। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड प्लॉट द ग्राफ। पहले ग्राफ प्लॉट करो, देन बाई यूजिंग द ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। बना लोगे? चलो सॉल्व करो इसको। क्या करो इसको, देखो ये करेंट वाले को ले लो एक्स एक्सिस में, वोल्टेज वाले को वाई एक्सिस में, फिर तो तुम्हारा स्लोप यानी ट्राइंगल बना के स्लोप से क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस। चलो सॉल्व करो इसको आगे। इधर वोल्टेज लिए, दिस इज करंट आई, करंट इज फ्रॉम 0 to 15, तो 0, 3, 6, 9, 12, 15 एंड वोल्टेज 0 to 10 2 4 6 8 10। ग्राफ क्या होगा, ग्राफ भी तुम्हारा रहेगा स्ट्रेट लाइन। अब एक ट्राइंगल ले लो, चलो यहां से ट्राइंगल लेते हैं, ये पॉइंट इस पॉइंट को मिलाओ इधर ये, तो दिस इज द ट्राइंगल ए बी सी, देन स्लोप इक्वल टू रेजिस्टेंस इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। तो आर का वैल्यू, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ बी सी अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, इस ग्राफ में बी सी का वैल्यू कितना होगा बी टू सी। कितना होगा निशिता? 6। देखो 10 माइनस 4 इक्वल टू 6, यानी बी सी का वैल्यू हो गया 6 वोल्ट। व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ ए सी, फिफ्टीन माइनस सिक्स क्या हो जाएगा? 9। 9।
तो 6/9 यानी 1/3, 2/3 एम्पियर, सॉरी रेजिस्टेंस है ना, ओम। ओके कैन यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इफ कम इन एग्जामिनेशन? ओके अभी तो मैं दिया था ना, अभी कौन कौन बनाया है? चलो ओके चलो, तो ये तुम्हारा हो गया रेजिस्टेंस। नाउ लुक हियर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। नाउ लुक ऑन द सीरीज कॉम्बिनेशन, दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, पता है कि नहीं? ऐसा सिंबल क्या शो कर रहा है कि इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करेंट। ब्रेकर का सिंबल देखो ना, ऐसे रहता है। तो ब्रेकर क्या, ब्रेकर क्यों बनाते हैं? टू डिक्रीज द स्पीड ऑफ व्हीकल, गाड़ी को स्पीड से ला रहा है, ब्रेकर बना देंगे। सिमिलरली हियर, टू डिक्रीज द स्पीड ऑफ करेंट क्या लगा देंगे? रेजिस्टेंस। ओके तो दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखो इन सीरीज कॉम्बिनेशन देयर आर थ्री रेजिस्टेंस, R1, R2 एंड R3। दे आर कनेक्टेड सच दैट सेकेंड टर्मिनल ऑफ ईच रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू द फर्स्ट टर्मिनल ऑफ नेक्स्ट रेजिस्टेंस। जैसे ये इसका फर्स्ट टर्मिनल, ये सेकेंड, ये सेकेंड वाले का फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड वाले का फर्स्ट, सेकेंड। तो सबका सेकेंड टर्मिनल नेक्स्ट वाले के फर्स्ट से कनेक्टेड है कि नहीं? इसका भी सेकेंड इसके फर्स्ट से। देन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके तो देयर आर थ्री रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन by the external power supply of potential difference V। potential difference यहाँ पर V है, ये स्विच K लगा दिए। स्विच का मतलब क्या होता है? ऑन ऑफ करेंगे। जैसे ही स्विच ऑन किए तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, करंट का वैल्यू है I। ऑल द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, कितना होगा? करंट के फ्लो होने के लिए कोई और तो डायरेक्शन नहीं है ना, यानी अगर ये 10 एम्पियर है तो हर एक रेजिस्टेंस से करंट का वैल्यू सेम रहेगा। इधर कहीं और कुछ कनेक्शन रहता तो थोड़ा सा करंट इधर चले जाता, मगर अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस बताओ? तो टोटल करंट आई है, R1 से कितना करंट फ्लो होगा? आई, R2 से भी आई, R3 से भी आई, यानी हर एक रेजिस्टेंस से करंट का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो अब देखो, V इक्वल टू होता है IR, ओम्स लॉ से। तो हियर वैल्यू ऑफ करंट इज सेम बट रेजिस्टेंस इज डिफरेंट, यानी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर डिफरेंट।
तो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या होगा, सेम की डिफरेंट? डिफरेंट, आर का वैल्यू चेंज हो रहा है ना। तो हियर पोटेंशियल डिफरेंस इन वी वन, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस वी टू, हियर पोटेंशियल डिफरेंस इज वी थ्री। तो हियर रेजिस्टेंस आर वन आर टू एंड आर थ्री आर कनेक्टेड इन सीरीज। इफ आई इज द करेंट फ्लोइंग थ्रू पावर सप्लाई, देन फ्रॉम ईच रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ करेंट रिमेन सेम, एंड इफ वी वन वी टू वी थ्री आर पोटेंशियल अक्रॉस आर वन आर टू एंड आर थ्री, तो व्हाट विल बी टोटल पोटेंशियल? वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री होगा कि नहीं होगा, यस और नो? अब देखो फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर, देन वी वन इक्वल टू आई आर वन, वी टू इक्वल टू आई आर टू, एंड वी थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर थ्री। यही होगा ना? तो वी वन वी टू वी थ्री सबका वैल्यू इक्वेशन वन में पुट कर दो, क्या आ जाएगा, वी इक्वल टू आई आर, आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री, देन आई इंटू आर, आई कॉमन निकाल लो, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। चलो ये आई से आई कैंसिल हो गया, आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो गया, टोटल रेजिस्टेंस आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। इसका नोट कहाँ लेना, यूट्यूब में मैं अपलोड करूंगा, लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो घर में बैठ के अच्छे से नोट्स बना लेना, यहाँ टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ अभी पहले समझ लो अच्छे से। समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, चलो आगे देखें पैरेलल कॉम्बिनेशन। Yes, sir. चलो देखो नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलो देखना पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, सपोज दिस इज द रेजिस्टेंस आर वन, दिस इज द रेजिस्टेंस आर टू, एंड दिस इज थर्ड रेजिस्टेंस आर थ्री। ये सबका फर्स्ट टर्मिनल है, दिस इज सेकेंड टर्मिनल, then how they are connected, they are connected in such a manner that first terminal connected at one place and second terminal at other place, sabka first ek jagah sabka second ek jagah, then this combination is known as parallel combination। yani if the resistance are connected in such a manner that first terminal of each resistance connected at one point and second terminal of each resistance connected at other point, then this combination is known as parallel combination। okay,
नाउ सपोज वी इज अ पावर सप्लाई, पोटेंशियल वी है, स्विच के है, आई इज द करेंट फ्लोइंग अक्रॉस इट, देन एट पॉइंट ए देयर आर थ्री डायरेक्शन, द करेंट इज कमिंग हियर एट पॉइंट ए, व्हाट इज द टोटल करेंट एट पॉइंट ए, दैट इज आई. नाउ एट पॉइंट ए देयर आर थ्री डायरेक्शन, यानी करेंट को थ्री डायरेक्शन मिल रहा है, तो करंट का वैल्यू हर एक डायरेक्शन में सेम रहेगा कि डिफरेंट डिफरेंट रहेगा? सर सेम रहेगा. नहीं, सेम तो सीरीज में रहेगा ना. देखो रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस करंट को रोकता है, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू यहां डिफरेंट डिफरेंट है, तो करंट का वैल्यू भी क्या रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट. अगर रेजिस्टेंस सेम रहेगा तो करंट का वैल्यू सेम हो सकता है, बट देयर आर थ्री डिफरेंट रेजिस्टेंस ना, आर वन आर टू एंड आर थ्री, देयर फोर द करेंट विल बी आई वन आई टू एंड आई थ्री, यानी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंट विल बी डिफरेंट. समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. तो ये जो करंट है I1, I2, I3, ये कहां से आ रहा है? I से, यानी अगर जैसे मान लो I तुम्हारा 30 एम्पियर है, तो वो 30 एम्पियर थ्री पार्ट में डिवाइड हो गया, दैट मीन्स I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3. समझ में आया कि नहीं आया? क्यों बाकी लोग को, रीजा, वेदिका? Yes, चलो देखो यहाँ, तो हियर करेंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस विल बी डिफरेंट, बट देखो अगर मैं इसको इसको हटा दूं, व्हाट इज द पोटेंशियल अक्रॉस आर थ्री, क्या है, वी है ना? Yes, आर थ्री को भी हटा दिया, आर टू को भी हाइड कर दिया, तो पोटेंशियल अक्रॉस आर टू वो भी वी है. अगर ये दोनों को हाइड कर दूं तो आर वन के अक्रॉस पोटेंशियल क्या है, वी है, यानी आर वन आर टू आर थ्री सबके अक्रॉस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, दैट इज वी, है कि नहीं? Yes, sir. यानी हियर पोटेंशियल इज सेम, वो क्या है, वी है. तो फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से वी इक्वल टू आई आर, दैट मीन्स आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर. यहां भी पोटेंशियल वी है, इधर भी पोटेंशियल वी है, इधर भी पोटेंशियल वी है, बट करेंट आर डिफरेंट, आई वन आई टू आई थ्री. देन फ्रॉम दिस इक्वेशन What will be value of I1? That is V upon R1. होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर potential का value V है, current I1 है, resistance R1 है, then from equation I equal to V upon R, I1 equal to V upon R1. Similarly, what will be value of I2? बताओ तो. That is V upon R2. What will be value of I3? It will be V upon R3. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है. अब ये I1, I2, I3 का value equation 1 में put कर दो. चलो, putting the value of I1, I2 and I3 in equation number 1, V upon R equal to V upon R1, I2 क्या है, V upon R2 plus I3 V upon R3. चलो V को कॉमन निकाल दो, तो V upon R equal to V 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. V और V cancel, 1 upon R equal to 1 upon R1.
प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, यानी सीरीज में आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री एंड इन पैरेलल वन अपॉन आर इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। ओके, इज इट क्लियर?